बहराइच में डॉक्टर के सिंह ने नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ढाई ढाई लाख रुपए लेने का मामला सामने आया। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का, जहां वार्ड बॉय के रूप में नौकरी दिलाने के नाम पर शहर में ही अपना क्लिनिक चला रहे डॉक्टर के सिंह द्वारा ठगी की गई। आपको बताते चलें कि शहर बख्शीपुर के निवासी सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव, तीन अन्य युवक समेत हेमंत कुमार, रघुराज प्रसाद, वीरभान सिंह रावत ने सभी ग्राम व बेरोजगार युवकों से डॉक्टर के सिंह के द्वारा जून 2019 में ढाई ढाई लाख रुपए बहराइच मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय के पद पर नौकरी दिलवाने के नाम पर लिया गया था, लेकिन आज तक ना तो नौकरी मिली और ना ही रुपए वापस किए गए। इस प्रकरण को लेकर एसपी को दो बार प्रार्थना पत्र देने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। नौकरी के लिए ले लिया मेडिकल कॉलेज, अभी तक डेढ़ साल हो गया, ना वो पैसा दे रहे हैं ना नौकरी दिला पा रहे हैं। तो उनसे मांगो तो वो मतलब जान से मारने धमकी दे रहे हैं, आप नहीं दे पाएंगे देंगे तो कुछ भी करना होगा। 9/9/2020 तक आपका पत्र आपके हाथ में पड़ा हुआ है, ये रजिस्टर पत्र के माध्यम से एसपी साहब को मैंने सूचित किया था। जो तक बेरोजगार युवक एसपी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आखिर कब तक बेरोजगार लोगों के साथ ऐसा होता रहेगा? पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। तो